वही बोले कि बढ़ेगा सर्दी आंखों की, और पता नहीं क्या देख देख था आपको पुच्छी बना रहा तीन के जगह। और यहाँ पर मम्मी पंजली को ड्यूटी दी है रोटी बनाने का, क्या कर रही पूरा गैस को गंदा करके बनाती है अंधेरी रोटी बना। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। और अभी सुबह का टाइम है, तो आप सभी को मेरे पूरे फैमिली की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज क्या हुआ ना, रात भर बिटिया रानी को तबीयत ख़राब है काफ़ी ज़्यादा, और सोई भी नहीं। मम्मी आई है, आप लोगों को पता ही है मम्मी आई है, तब से देख सकते किस तरह से चद्दर उद्दर में लपेट कर नहीं है मम्मी। अब पूरा सर्दी हो रखा काफ़ी ज़्यादा, रात भर सोई भी नहीं है ना, मैम रात भर नहीं अच्छे से सोई है जितना। क्या छुआ बेटा? और यहाँ भी आदि बाबा भी सोए रखा है, तुम देख सकते हो बिटिया को कहाँ हो गया है हा? तो अभी हम चलते हैं, यहाँ बगल में आप लोग देखे मेरे पेट में दर्द हुआ था, तो बगल में एक तो डॉक्टर साहब थे ना, इतना अभी 7 ही बज रहे हैं सुबह का, तो सोचे कि चलते वहीं पर ही, फ़ोन नंबर है बाहर में लिखा हुआ रहता है, फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके उनको बुलाएंगे कि डॉक्टर साहब आइए मेरे को थोड़ा काम है, क्योंकि बुखार उसको है रात से, रात में तो नहीं जा पाए क्योंकि रात में कैसे जाते, तो अभी उतना भी फैला नहीं था, तो अभी भी है बुखार, तो अभी सोच रहे कि जाते हैं और जाके नंबर उमर लेंगे और उनको फ़ोन करके बुलाते हैं, उसके बाद जाकर खाना वाना बनाएंगे ना। बेटा कहाँ हो गया हाँ, कहाँ हो गया हाँ? देखिए हम हम वीडियो बना रहे, तो मेरे को देख रही है, सर्दी भी है बुखार भी है खांसी भी है, तीनों चीज़ उसको हो रखा है। सबसे डॉक्टर साहब को फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब आ गए हैं, और हम चलते हैं बिटिया रानी को लेकर, क्योंकि बगल में ही है मेरे घर, मेरे घर से 2 घर आगे, तो ऐसे ही सुबह उठे हैं और सुबह से यही सब में बाबू के में लगे हुए हैं, और अभी हम जा तो चलिए फैसले हम घर से निकल गए, बाबू को लेकर चलते हैं डॉक्टर जी के पास, और चलिए देखते हैं दवाई देते हैं कि नहीं, क्योंकि ये दवाई देते हैं खाली, मतलब कि फीस वीस का नहीं लगता, खाली दवाई में लगता है जो भी लगता है, तो चलिए चलिए। वही बोले कि बढ़ेगा सर्दी आँखों की, और पता नहीं कहा फिर वही बढ़ा और वो ज़्यादा हो गया, तो बोले लसंडा से हाँ बूढ़ा जी तो मार गए। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं हम घर पे आ गए बाबू का दवाई लेकर, देखिए बिटिया रानी का दवाई तो 35 3 ठो है, और यहाँ पर करते हैं मम्मी, और देख सकते हैं बिटिया रानी यहाँ पर ही आ गई है पैसा कमा कर। हाँ खेलो खेलो खिलौना इसके लिए लाए, दवाई नहीं लाए, अभी इसको लेकर खेलेगी, और अभी डॉक्टर साहब बोले कि घर ओम जिसका नजर गुजर बाहर निकले दवाई अंदर जाए मुंह में, ठीक ना पी पी इतनी को बच्चा बाप रे दवाई पीने से कितना डरती है, तो चलिए फ्रेंड बाबू की दवाई पिला देते हैं क्योंकि रो रही है काफी ज्यादा। फाइनली देख सकते हैं आप लोग, देखे कि बाबू को डॉक्टर के पास से लेकर तो आ गए थे, और अंडी सारा घर का काम उनकी, और काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी लगता है क्योंकि बिटिया रानी को ऐसे बार बार हो जाता है तबीयत खराब, तो डर लगता है, और अभी मम्मी उम्मी आई है, और अभी बिटिया रानी को दवाई वाई खिला के देख सकते यहाँ पर ही सुला दिए तो सो गई है, और मम्मी लोग अपना सामान को पैक मतलब भर रही है, इधर उधर छितर वितर हो जाता है ना, भर रही है, और अभी देख सकते हैं हम अभी इधर खाना बना रही है, दाल छौका लगा रही है, आलू करेले की भुजिया, चावल तेरे लिए क्या चीज देख सकते हैं अनिल मेरे लिए क्या लेकर आए हैं, क्या करेंगे हम इसको रख के, छोटा बेडशीट देख सकते हैं मेरे लिए अनिल दे रही है, हाफ बेडशीट है नहीं, लेते जा ट्रेन में ही बिछा के दे दे।
तो चलिए फ्रेंड अभी मिलते हैं। आप देख सकते हैं बिटिया रानी भी हो गई है फ्रेश, और बोलते बोलते ही हम बोल ही रहे हैं और गिर गई, गिरकर चोट लग गया काफी ज्यादा, आंख में आंसू ले लिए। ना 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 बेटा, बैठो बैठो बैठो, देख सकते रो रही है। और खाली सर्दी अब बचा, बुखार तो अभी छूट गया, अभी तो आया नहीं है, एक दो घंटा हो गया दवाई दिया, और हम लोग खाना वाना भी खा लिए। और यहाँ पर रिया बैठी हुई है बाल झाड़ कर, ऐसी बैठी हुई है अरियांजलि, और जो कि अभी बातें हो रही है मार्केट जाने के लिए ना, अभी मार्केट जाएंगे और अंजलि का चप्पल लाना है, मम्मी लाएगी चप्पल, तो अभी देखिए क्या आता है, पता नहीं मार्केट जाते भी है कौन कौन जाएंगे भगवान जाने, पर अभी हम बिटिया रानी को शांत कराते हैं और मम्मी इधर सो रही है, मम्मी को आ गया है नींद, आदि बाबू बैठा हुआ है और अंजलि उठा रही है, उठा रही मार नानी और नाती का प्यार हो रहा है, प्यार नहीं हो रहा उठा रहा है इतना, आदि नानी आने से आदि को छूट मिल जाता है ना बेटा, है कहाँ जा रही है नाना के पास, कैसे थे मेरे को छोड़ के चल जाएगा, मेरे को छोड़ के जाएगा नाना के पास। तो चलिए फ्रेंड अगर मम्मी सो कर उठेगी और क्या जाके हम लोग फिर रेडी उडी होंगे, मार्केट चल जाना है ये, पर कुछ क्या लाने जाना है पता नहीं। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं हम रेडी हो गए हैं मार्केट जाने के लिए, और अभी देख सकते हैं इस तरह से, और आज हमारा कुछ ऐसा लुक है, क्या बोलते हैं देहाती लुक, और अभी बिटिया रानी को रेडी करेंगे मम्मी, देख सकते मम्मी देख रही है शिव कथा देख रही है मोबाइल में अपने, और अभी अंजलि गई है दूध लाने के लिए, बाबू गया ट्यूशन, तो और अभी लगता है मेरी एक बुआ आने वाली है वो भी मार्केट जाएगी, तो चलिए अभी बुआ आती है, बुआ से भी आप लोग का भी मिलवाएंगे हम, और बिटिया रानी का तबीयत एकदम फ्रेश हो गया तो हम भी फ्रेश हो गए, तो इसको फ्रेश तैयार करेंगे तब ना, बिटिया रानी को कपड़ा पहना देते हैं उसके बाद जाके जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड बिटिया तो फाइनली देख सकते हैं अभी हमारी बुआ आ गई है, आकर बिटिया रानी को खिला रही है, फर्स्ट बार हमारी बुआ वीडियो में आई है, देख सकते हैं बोल भी रही है, तभी खिला रही है बाबू को, आदि तो है नहीं तो बिटिया रानी को खिला रही है, अभी हम लोग सब लोग मार्केट भी जाएंगे, और कालो फिर से आ गई है रानी, सॉरी एक हमारा भाई है रानी, बुआ का बाप बेटा है, एक बेटा तीन बेटे, देख सकते हैं वहाँ पर रौनक है और काले, और दोनों लोग घर पे ही है, और अभी हम लोग मार्केट के लिए भी निकलेंगे, मम्मी भी रेडी, अंजलि भी रेडी, सब लोग रेडी हो गए हैं, और बस अब हम लोग निकलना बाकी है मार्केट, चलोगे तो हो गया, आदि को हमको लग रहा रोएगा फिर तब, मोबाइल छोड़ कर ही ना जाएंगे, तो मार्केट जाने के लिए घर से निकल गए यहाँ लोग दोनों लोग, और हम चलिए चलते हैं मार्केट, आगे दूसरा निकाल के ना देगा डिब्बा में, और नहीं है तो सिंगल पीस बचा, टूटल का ले लेगी, टूटा नहीं भैया उखड़ा हुआ है पूरा, ये बोल रहे हैं ये भी सही चप्पल रहता है। फाइनली देख सकते हैं मार्केट से आ गए हैं, और यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर ही हैं, और अभी बुआ मम्मी लोग बाथरूम में हाथ धो रहे हैं, हम धो के अंदर आ गए पहले, और अंजलि का कैसा चप्पल आया वीडियो मार्केट में ज़्यादा नहीं बना पाए, पर जो भी थोड़े बहुत बनाए और चप्पल कैसा लिए वो भी आप लोग को दिखाएंगे, तो अभी थोड़ी देर बाद क्योंकि हाथ धो कर आ जाती है उसके बाद। दोस्तों देख सकते हैं सभी लोग आ गए हैं रूम पे, और यहाँ पर इतने लोग, मेरा पूरा बेड भर गया मतलब इतना, और अभी हम लोग खा रहे जिलेबी हुआ लेकर आई थी, और अभी आप लोग ये खा लीजिए, और हम देख सकते हैं अदिति भी पूरा जिलेबी मार कर गई है, नहीं तेरे को खांसी हुआ, नहीं खिलाया नहीं चटार तो खांसी हुआ थोड़ा सा ना, इसलिए आज तबियत खराब था, फंसा दिया है, तो आइए फ्रेंड आप लोग जिलेबी खा लेते हैं, तभी लोग हम लोग जिलेबी खा लेते हैं उसके बाद में, तो काफी ज्यादा टाइम मतलब अभी शाम हो गया है, और अब हुआ जा रही है, ज्यादा दूर नहीं है, बोल रहे रहने के लिए रात भर तो रह नहीं रही, बड़ी फूफा है ना वहाँ पर ही, इसलिए तो देख सकते हैं यहाँ बुआ जा रही है छोड़ कर हम लोग को, और हम लोग अभी बोले तो कि रात भर रहा चल सुबह जाए,
अच्छा तुझे फोन करना पहुँच कर, ठीक ना? और मेरे बउआ कहाँ छोटकी बउआ तो चले फ्रेंड वहाँ पर बुआ जा रही है आगे और हम यहाँ पीछे पीछे जा रहे हैं। चल है चली ना वो नानी को बोलो पैसा कुछ तो लेगा। अरे गाड़ी ले ले बिस्कुट खाना तू ले भी लिया रुको पापा को बोलते तुम पैसा लेता लेगा नहीं दूसरा कैसे ले रहा ले जा नहीं ले आज बिस्कुट देर से नहीं है लिया प्रणाम चल दस रिया फिर भी प्रणाम हुआ चलो चलिए फ्रेंड अब हम लोग भी चलते हैं घर। फुआ तो चल गई थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगा और अब चलते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं फाइनली फुआ भी तो चली गई आप लोग देखे मार्केट से भी ला लिया और अन्नी का कैसा चप्पल लाया वो भी अभी हम आप लोग को दिखाएंगे और भी मार्केट से क्या क्या लाए हैं। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर ही क्या बोलते हैं शिक्षक और गुरु और शिक्षक है यहाँ पर। ठीक ठीक दो तीन देख सकते था आपको पुच्छी बना रहा है तीन के जगह अरे चाची दिखा रहे हैं पांच है कि छह है कि जीरो पता ही नहीं चल रहा है। क्या लिख रहे वन लिखा गया फिर से तो चलिए ये लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने दीजिए मम्मी पढ़ा रही है जितने दिन है अभी मम्मी पढ़ाएगी। और यहाँ पर बाप बहुत बंजनी को ड्यूटी दी है रोटी बनाने का क्या कर रहे पूरा गैस को गंदा करके बनाती है अंधेरी रोटी बना खुद और क्या सकते देख सकते कैसा है ये रोटी नहीं देखी आपने ये रोटी देखी ऐसा कोई रोटी बनता है अच्छा रोटी नहीं दिखाती है जला रोटी दिखा आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों देखिए हम काम से भी आ गए और इधर देखिए बिटिया रानी कैसे पलट रही पलटी मैं पलटी बाबू को आज तबीयत खराब हो गया था कितना ज्यादा हां इसका बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था रात भर बुखार से तैर बतर हो गई। देखिए हां अभी दवाई खाई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा था और देख सकते आज बिटिया रानी के लिए क्या खाना है ये देखिए छोटी छोटी सी पायर एकदम झुर 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 अच्छा दिखाइए ना आवाज कर रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बिटिया रानी का छोटा सा पायल। और अंजलि का कैसा चप्पल खरीदा है वो भी अभी आप सबको दिखाते हैं। आज फुआ भी आई थी आज फुआ आई थी हां फुआ ने आज फर्स्ट बार वीडियो की हां आज फर्स्ट बार आई इतने दिन से नहीं आई बोल रही होगी नहीं कुछ नहीं बोल रही थी बस नहीं हम बोले क्या हो गया आ गई तो वहाँ सब चलती है थोड़ी ना हम खराब वीडियो बनाते आप ही लोग बताइए कुछ गंदा वीडियो आप तो आराम मिल रहा होगा खाना ना बन रहा है दोस्तों देखिए अंजलि बना रही है आज बनाए हम आपका चटनी आराम ही आराम है दोस्तों नहीं तो चटनी हम बनाए आटा उटा सब सान दी है खाली रोटी बना रही है। तो चलिए फिर आप लोग को चप्पल दिखाते हैं कि कैसा है। दोस्तों देखिए निशा जी क्या लाई है किसके लिए मेरे लिए लाई है अंजलि ली है अपने लिए मम्मी दिलाई है चप्पल है तो आप लोग कमेंट में लिख करके बताइएगा ये कितने का सेंट अंजलि बहुत स्टैंडर्ड चप्पल लेने के बाद तोड़ती है तो ये सिंपल सा साधारण चप्पल लिए है चप्पल बूढ़ी बोलिए चाहे कुछ भी स्टैंडर्ड ही चप्पल है कौन बूढ़ी चप्पल बोले कौन बोला अच्छा है ना जी हाँ इतना तो अच्छा देंगे कि हम पहन लेंगे बड़ी बढ़िया पहले जना देखते हैं पैर में नहीं अटेगा पैर में अटेगा तो हम पहन लेंगे नसीब की बात है अंजलि यही वाले चप्पल खरीदी थी उसका चप्पल टूट गया था इसलिए मार्केट जाना पड़ा ये देखिए अपने से पूरे पूरे का प्लास्टिक लिया और घेर रही है और अभी निकाल रोटी भी बन गया जब चलते सभी लोग खाना होना चाहिए सभी लोग इंतजार कर रहे दोस्तों खाना का और हम लोग भी इंतजार कर रहे दोस्तों इंतजार नहीं कर रहे मैंने खा लिया सब शाम में दोपहर में खाए नहीं खाना दोपहर में खाना शाम को तो नहीं तो फ्रेंड अभी चलिए खाना होना है तो खा लेंगे अब हम लोग अंगूरा रोटी और आप लोग भी आइए हमारे घर खा लीजिए अंगूरा रोटी ना। तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आज के वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा
और यहाँ तक हमारे ब्लॉग वीडियो बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।